हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को सरिताज किचन पे। आज बसंत पंचमी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगी। झटपट कुकर में दूध वाला जर्दा राइस बनाएंगे हम। कोई भी फेस्टिवल में आप फटाफट 5 मिनट का अंदर में बना के रेडी कर सकते हो भोग लगाने के लिए। सो इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम चावल बासमती अच्छा क्वालिटी का, और लिए है हमने दूध। जितना चावल का क्वांटिटी है उसका डबल हमने दूध का मेजरमेंट लिया है। मीठा आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। हमने 50 ग्राम लिया है और बड़ा 1 चम्मच घी लिया है, छोटा टीस्पून केवड़ा वाटर लिया है और 1 से 2 चुटकी कलर लिया है। ड्राई फ्रूट में आप अपना मनपसंद का ले सकते हो। हमने किशमिश लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है, 2-4 इलायची, 2-3 लौंग और 1 इलायची का टुकड़ा, और आप चाहो तो कलर का जगह में केसर भी ले सकते हो। सो चावल को हमने 2-3 पानी अच्छे से वॉश करके इसको भिगा देंगे। 10 मिनट अच्छे से भीग चुका है हमारा चावल, 10 मिनट से ज़्यादा हम इसको भिगाएंगे नहीं। सो गैस को ऑन करेंगे और बिठा देंगे प्रेशर कुकर को। प्रेशर कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बड़ा 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और ऐड कर देंगे सारा ड्राई फ्रूट को जो भी हमने चॉप करके रखा हुआ था। इलायची को हम खोल के डालेंगे और सारा ड्राई फ्रूट को ऐड करने के बाद हम कुछ सेकंडों के लिए सोते करेंगे, हल्का ब्राउन होने देंगे। अब इसी में ऐड कर देंगे भिगा हुआ चावल को। इसका पानी हमने सारा अलग कर दिया था, साथ ही साथ सारा चीज़ों को मिलाते हुए भूनेंगे लो फ्लेम में। बिल्कुल 2 से 3 मिनट अच्छे से चावल को ड्राई फ्रूट में मिलाते हुए भूनेंगे ताकि चावल का अंदर में जो भी मॉइस्चराइजर बचा कुचा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अच्छे से चावल हमारा भून चुका है, इसका अंदर में जो भी मॉइस्चराइजर पानी था वो ड्राई होके ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मेजरमेंट से रखा हुआ था दूध। 1/2 ग्लास चावल में 1 ग्लास पूरा हमने दूध ऐड किया हुआ है। दूध को हमने अच्छे से गर्म करके ले लिया था। अब चावल के अंदर में दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर के लिए फ्रूट कलर को। आप चाहे तो इसका जगह में केसर भी ऐड कर सकते हो। ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर को, ऐड कर देंगे ज़रूरत का हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा। अब सारा चीज़ों के अच्छे से मिला देंगे। एक से दो मिनट पकाएंगे। जैसे 1-2 मिनट पक चुका है सो प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है। अब इसको 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे। जैसे 1 सीटी लग चुका है हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन को ठंडा करते हुए ओपन कर लिया है। चावल हमारा बिल्कुल रेडी है। जर्दा चावल दूध वाला बनके भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो आप इसी तरह प्रसाद भोग लगाने के लिए फटाफट 5 मिनट का अंदर में तैयार कर सकते हो। सॉप करेंगे एक बॉल में। आई होप आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया होगा। आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई करें। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।